मैं आप सबका यहाँ दिल से स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मौजूद सभी लोग 6 दिन 6 अलग। कृपया ध्यान दें, जो नंबर आप चुनेंगे उसी नंबर के हिसाब से आपकी बारी आएगी। कृपया समझदारी से चुनिए। बारी नंबरों के हिसाब से? अच्छा, अगर नंबर के हिसाब से खेलना है तो छोटा नंबर बेहतर है। इस गेम में भी टाइम की मारामारी होगी, रेड लाइट ग्रीन लाइट और हनीकॉम की तरह। तो मैं पहला नंबर ही लेता हूं। गेम को जाने बिना पहले जाना खतरनाक हो सकता है। पीछे रहूंगा तो बाकी प्लेयर्स को देखकर प्लान बना सकता हूं जैसे पहले किया था। ये पहला नंबर है, मतलब गेम मुझसे ही शुरू होगा। तो क्या मुझे आखिर में जाना चाहिए? नहीं नहीं, वो भी ठीक नहीं लग रहा। खुद को संभालो और तय करो। सभी प्लेयर्स का हम पांचवी गेम में स्वागत करते हैं। पांचवी गेम है ग्लास स्टेपिंग स्टोन्स। हर स्टेपिंग स्टोन दो में से किसी एक तरह के ग्लास से बना है, टेम्पर्ड ग्लास या नॉर्मल ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास दो लोगों का बोझ एक साथ उठाने लायक मजबूत है, जबकि नॉर्मल ग्लास एक आदमी का बोझ भी नहीं उठा सकता। सभी प्लेयर्स, आपको अंदाजा लगाना है कि सामने वाले दो ग्लास में से कौन सा ग्लास टेम्पर्ड है। इन 18 जोड़ियों की टाइल्स में से टेम्पर्ड ग्लास पर ही पांव रखें और गेम जीतने के लिए इस तरफ से दूसरी तरफ सेफली पहुंच जाए। पार करना है। गेम शुरू होता है अब। अपने जूते उतारिए और अपनी बारी के हिसाब से इस पुल को पार कीजिए। क्या कर रहे हो? जल्दी करो, वक्त बीत रहा है, जल्दी करो। He's gone. धंधा रखने के लिए मुझे सही टाइल पर कूदूं? शायद शायद बाएं गया था। नहीं, वो दाएं गया था फिर बाएं गया था। नहीं 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 नहीं, वो बाईं तरफ गया था फिर सीधा गया था। मत बोलो, वही तरीका सही है। दाएं गया था वो। तो आवास इसे 700 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पर बनाया जाता है। अगर किसी चीज से ठोका जाए तो आवाज नॉर्मल ग्लास से साफ होती है। तो तुम अब क्यों बता रहे हो? जानकारी है तो पहले मदद क्यों मदद करता? जब भी मौका मिला उन लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। Ha ha ha.